हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम डॉट के चैनल में। संविदा शिक्षक वर्ग टीम, ठीक है, संविदा शिक्षक वर्ग टीम आज प्रश्नों के साथ मैंने यहाँ पे उपस्थित हूँ। ठीक है, प्रश्नों के साथ मेरा वीडियो उपस्थित है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक जो फोर पार्ट हुए हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अभी तक जो फोर पार्ट हुए हैं उन जो फोर पार्ट हैं वहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जो फोर पार्ट हुए हैं वहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट था, और उन कॉन्सेप्ट के साथ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चनों की सीरीज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो फोर पार्ट तक अगर आपने नहीं देखा है तो गवर्नमेंट एग्जाम डॉट के चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ये चार पार्ट मिल जाएंगे, फोर पार्ट तक की सीरीज मिल जाएगी बालविका शिक्षा शास्त्र की, पैडागॉजी की। ठीक है, बालविका शिक्षा शास्त्र मतलब पैडागॉजी की ये फोर पार्ट मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसमें, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस में ये जो फाइव पार्ट है प्रश्नों के साथ है, मतलब जो जितना मैंने फोर पार्ट तक कराया है उसके मैं प्रश्न लेके यहाँ पे आया हूँ फाइव पार्ट में। ठीक है, तो पहले आप फोर पार्ट तक देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद ये उसके बाद प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव पार्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन समझ, और यहाँ पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज। ठीक है, जिसमें आप, जिन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। फोर पार्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, फोर पार्ट तक की सीरीज में जो भी कॉन्सेप्ट हुए हैं उन कॉन्सेप्ट के बेस में मैंने फाइव पार्ट लेकर आया हूँ, और फाइव पार्ट में प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। ठीक है, लाइक जरूर करिए, लाइक करिए या डिसलाइक करिए, इससे हमको जानकारी मिलती है कि क्या मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को जरूर देखने के बाद लाइक करिए। ठीक है, और दोस्तों तक अपने शेयर करिए। ठीक है, तो फोर पार्ट तक जितना मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट के बेस में फाइव पार्ट लेके आया हूँ, फाइव पार्ट में क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए सीरीज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि बाल विकास अध्ययन है। ठीक है, बाल विकास अध्ययन है बालक के व्यवहार का। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि बालक के विकास का अध्ययन मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया हुआ बालक का विकास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कराया हुआ बालक का विकास, देख लीजिए पार्ट फर्स्ट में जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट में जाइएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेस मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस मिल जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट के बेस में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो फोर पार्ट तक मैंने कराया हुआ है उसी फोर पार्ट तक में ये सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप फोर पार्ट तक की सीरीज देख लीजिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखिएगा, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी है इसमें, याद रखिएगा आगे क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सीरीज को पूरा फॉलो करिए, सीरीज को पूरा देखिए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है कि बाल विकास का अध्ययन है। ठीक है, बालक के विकास का अध्ययन क्या है, बालक के व्यवहार का है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का है, बालकों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन है। ठीक है, बालक का विकास किससे रिलेटेड, मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालक का विकास किससे रिलेटेड है। ठीक है, बालक के व्यवहार का है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का है, या बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो बालक का विकास किससे रिलेटेड है, बालक का विकास है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि कौन मानव विकास को सर्वाधिक रूप से, याद रखिएगा, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं, बुद्धि, कौशल, रूह या वंशानुक्रम या वातावरण। ठीक है, कौन सर्वाधिक प्रभावित करते हैं मानव विकास को, सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करते हैं, बुद्धि। ठीक है, मनुष्य को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है, क्या बुद्धि, उसकी बुद्धि, या कौशल, ठीक है, या रोग, या वंशानुक्रम, या वातावरण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कौन सी है वो देखिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने का तात्पर्य। ठीक है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से जो सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है, इसमें बुद्धि भी है, कौशल भी है, रोग भी है, वंशानुक्रम, वातावरण भी है। ठीक है,
चारों ही क्वेश्चन प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें आपको ये क्वेश्चन सार्ट ये आंसर देखना है कि कौन ज्यादा प्रभावित करता है, इन चारों में से कौन सा ज्यादा प्रभावित करता है, तो वो है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण। फोर्थ नंबर इसका राइट जवाब सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर, वंशानुक्रम या वातावरण, मतलब मनुष्य का वंशानुक्रम, ठीक है, उसका वंशज, ठीक है, उसके वंशज में क्या प्रभाव रहा, क्या वहां का क्या एनवायरमेंट, क्या वातावरण है, ये सबसे ज्यादा मानव विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अब किसने सामने हुआ है, वेंडुरा और स्किनर ने किसके विकास को, ठीक है, वेंडुरा और स्किनर ने विकास को, ठीक है, वेंडुरा और स्किनर ने विकास को क्या माना, ठीक है, विकास को, ठीक है, वेंडुरा और स्किनर ने, वेंडुरा और साइंटिस्ट हैं, वेंडुरा और स्किनर, ठीक है, वेंडुरा और स्किनर ने विकास को क्या माना, एक सतत प्रक्रिया माना है या असतत प्रक्रिया माना है या रुक रुक कर प्रक्रिया माना है या इनमें से कोई नहीं माना, ठीक है। वेंडुरा और स्किनर ने विकास को, ठीक है, मतलब बच्चे के विकास को, ठीक है, वेंडुरा और स्किनर ने किसी बच्चे के विकास को क्या माना है, ठीक है, बच्चे के विकास को क्या माना है, वेंडुरा और स्किनर ने बच्चे के विकास को क्या माना है, एक सतत प्रक्रिया माना है या असतत प्रक्रिया माना है, ठीक है, क्या माना है, सतत प्रक्रिया माना है या असतत प्रक्रिया माना है या रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया माना है या इनमें से कोई नहीं माना, ठीक है। वेंडुरा और स्किनर ने बच्चे के विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में माना हुआ है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेंडुरा और स्किनर ने बच्चे के विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, मतलब चलती हुई प्रक्रिया माना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, विकास प्राणी, ठीक है, विकास प्राणी प्रगतिशील परिवर्तन है, ठीक है, विकास का प्राणी प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है, यह कथन किसका है, हर्लॉक, फ्रायट, ड्रेबर या मुनरो, ठीक है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, किसी भी विकसित प्राणी, ठीक है, कोई भी विकसित प्राणी है जिसकी प्रगति क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है, ठीक है, जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर काम करता है, यह कथन किसका है, हर्लॉक का है, फ्रायड का है, ड्रेबर का है या मुनरो का है, किसका, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ड्रेबर, ठीक है, ड्रेबर मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, किसका है, ड्रेबर का, ठीक है। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है, देखिए, ऑर्नेस्ट जोन्स, ठीक है, ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, ठीक है, विकास की ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था नहीं है, ठीक है, क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बोलते हैं, ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास, ठीक है, डेवलप की अवस्था कौन सी नहीं है, जिसमें कौन सी, किस अवस्था में विकास नहीं होता है, मतलब ये सेंस है, ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बोलते हैं कि ऑर्नेस्ट जोन्स किस अवस्था में विकास नहीं होता है, बिल्कुल भी विकास नहीं होता है, वो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें विकास नहीं होता, ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें विकास नहीं होता है, तो वो ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि प्रौढ़ावस्था में विकास नहीं होता है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में विकास नहीं होता है, ठीक है, ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार प्रौढ़ावस्था में विकास नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है, जो मैंने फोर पार्ट तक कराया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, जो मैंने फोर पार्ट तक कराया हुआ है उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, उन्हीं पार्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, याद रखिएगा, फोर पार्ट तक पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और आपने ये बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चन वाले, कुछ क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन कन्फ्यूज करने वाले भी क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया हो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है, विकास क्या एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास क्या एक प्रकार का परिवर्तन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है, हेडफील्ड,
गॉर्डन, पियाजे या गैसल, ठीक है, किसके अनुसार है, वो है आपका गैसल के अनुसार। ठीक है, गैसल के अनुसार बालकों के नवीन गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है, वो है आपके गैसल के अनुसार। किसके अनुसार, आपके गैसल के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार है, गैसल के अनुसार, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए विकास की प्रक्रिया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की एक प्रक्रिया यहाँ पे लिख दिया संरचनावादियों के अनुसार। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी एक सतत प्रक्रिया था, ठीक है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिख दिया है, संरचनावादियों के अनुसार, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए संरचनावादियों के अनुसार यहाँ पे दे दिया, संरचनावादियों के अनुसार विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, संरचनावादियों के अनुसार विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, असतत प्रक्रिया है, ठीक है, संरचनावादियों के अनुसार विकास क्या है, एक असतत प्रक्रिया है, जबकि विकास की प्रक्रिया को अगर हम बात करें, विकास की प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो एक सतत प्रक्रिया है, जबकि संरचनावादियों के अनुसार ये एक असतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं होता है, ये कथन किसका है। ठीक है, विकास क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, ये कथन किसका है, ठीक है, ये कथन किसका है, हेडफील्ड का है, गॉर्डन का है, पियाजे का है, गैसल का है, मतलब फोर्थ नंबर गैसल का है। ठीक है, ये जो फील्ड है, मतलब ये विकास की जो प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, गैसल का है, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर किसका है, गैसल का है। ठीक है, नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास से तात्पर्य है, ठीक है, विकास से क्या तात्पर्य है भैया, विकास से क्या तात्पर्य है, ठीक है, विकास से क्या तात्पर्य है, क्या गुणात्मक परिवर्तन से है, विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है, ठीक है, परिणामात्मक परिवर्तन से है, उपयुक्त दोनों में से है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो विकास का जो तात्पर्य है वो है उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों, मतलब गुणात्मक परिवर्तन से भी है और परिणामात्मक परिवर्तन से भी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से कितने वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम बेसिकली याद रखे, किसके अनुसार पूछ रहा है ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से कितने वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार, ठीक है, शैशवावस्था जन्म से कितने वर्ष तक मानी जाती है, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है 5 से 6 वर्ष तक की। ठीक है, ऑर्नेस जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जो मानी जाती है 5 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समान प्रतिमान, याद रखिएगा, समान प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया, समान प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया, गैरिसन, डगलस और हॉलैंड, हरला और कैटर, किसने दिया, गैरिसन समान प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया, गैरिसन, डगलस व हॉलैंड, हरलॉक या कैटल, किसने दिया हुआ है। ठीक है, हरलॉक ने दिया हुआ, किसने दिया, समान प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया हुआ है, हरलॉक ने दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हरलॉक। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि किसके अनुसार चारित्रिक विकास, ठीक है, वंशानुक्रम पर निर्भर है, किसके अनुसार, याद रखिएगा, किसके अनुसार चारित्रिक विकास, ठीक है, चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है, किसके अनुसार, मैकडूगल, डगडेल, क्लिनबर्ग या क्लिंटन, केटल, ठीक है, किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है, मैकडूगल हो गया, डगडेल हो गया, क्लिनबर्ग हो गया या केटल हो गया, किसके अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार है, डगडेल के अनुसार। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डगडेल। किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, किसके अनुसार चारित्रिक जो विकास होता है वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, डगडेल के अनुसार वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति, ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास, मानव जाति के शिशुओं के विकास के प्रतिमान
एक ही है, ठीक है। मानव जाति के शिशुओं के प्रति विकास के प्रतिमान एक ही हैं, या तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, या विकास क्रम का सिद्धांत, या विकास दिशा का सिद्धांत, या इनमें से कोई भी, ठीक है। याद रखिएगा किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास के प्रतिमान एक ही हैं, किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं का जो विकास का जो प्रतिमान है किसके अनुसार है, एक प्रतिमान का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, विकास दिशा का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट नंबर इसका सही जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक समान प्रतिमान का सिद्धांत, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि किस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा, ठीक है, याद रखिएगा गामक और भाषा संबंधी आदि विकास होता है, बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है, क्या विकास क्रम का सिद्धांत है, विकास दिशा का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि गामक बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है किस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, तो वो है विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के, विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके इसके सामने हुआ है कि किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का स्वयं का स्वरूप होता है, स्वयं का स्वरूप होता है, ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का स्वयं का स्वरूप होता है, किस सिद्धांत के अनुसार, विकास क्रम का सिद्धांत, ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत, या विकास दिशा का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत, यहाँ पे वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत लिख दीजिएगा, यहाँ पे वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत भी लिखे, है ना, वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है, मतलब किसके अनुसार होगा, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का स्वयं का स्वरूप होता है, विकास क्रम, पहला है विकास क्रम का सिद्धांत, दूसरा विकास दिशा का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा है आपका वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, वैतविक भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है कि हरलाक के अनुसार, ठीक है, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था, ठीक है, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु होती है, ठीक है, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, ठीक है, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो होती है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की, हरलाक के अनुसार, ठीक है, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो होती है आपकी 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संवेगात्मक, ठीक है, क्या दिया हुआ, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास की अवस्था में तीव्र परिवर्तन किस अवस्था में होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास की अवस्था में तीव्र परिवर्तन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हुए, याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने पार्ट्स में क्लियर किए हुए, संवेगात्मक विकास कौन सा होता है, किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने कवर किया हुआ है, तो वो पार्ट आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये सारे पार्ट मिल जाएंगे, उसके बाद देन फाइव पार्ट चेक करिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर समझ में आएंगे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है, जिससे आप आसानी से उन पार्ट को देखने के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, वो होता है किशोरावस्था में, ठीक है, वो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में, किशोरावस्था में परिवर्तन में, ठीक है,
सेशन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों तक अपने शेयर करें, और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इनका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ना लाइक करने का चार्ज लगता है, ना शेयर करने का चार्ज लगता है, और ना ही सब्सक्राइब करने का चार्ज लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और भी मैं वीडियो इसकी अच्छी अच्छी लाता रहूँगा इसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद आज का क्वेश्चन, आज मैंने फोर पार्ट तक कवर किया, उसके बाद में क्वेश्चन लेके आ गया। ठीक है, फोर पार्ट का क्वेश्चन लेके आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट की बात दो तीन पार्ट होंगे, चार पार्ट होंगे। ठीक है, चार पार्ट होंगे, फिर उसका क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डगलस एवं हॉलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, साइंटिस्ट डगलस और हॉलैंड ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया हुआ है। ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया हुआ है। ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया हुआ है, निरंतर विकास का सिद्धांत या विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, विभिन्न गति का सिद्धांत या विकास क्रम का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया हुआ है, वो आपके विभिन्न गति के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया हुआ है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया है, वो है विभिन्न गति के सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन अवधि मनोविज्ञान में गर्भधारण से, ठीक है, जीवन की जो अवधि है मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले वर्धन और परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब मृत्यु से वर्धन, ठीक है, मृत्यु तक होने वाले वर्धन परिवर्तन, मतलब मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास, परिपक्वता, आत्मसत्करण या संरक्षण, क्या कहा जाता है। जीवन अवधि मनोविज्ञान में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले वर्धन एवं परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, आत्मसत्करण कहा जाता है या संरक्षण कहा जाता है, वो कहा जाता है क्या, विकास। ठीक है, विकास कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह किस सिद्धांत द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, व्यक्ति में ये बोलते हैं कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह किस सिद्धांत के द्वारा दिया गया है, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो वो किस सिद्धांत के द्वारा दिया गया है, निरंतर विकास के सिद्धांत के द्वारा दिया गया, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है सिर से पैर की दिशा में होता है। याद रखिएगा, बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, सिर से पैर की दिशा में होता है, कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है, विकास क्रम का सिद्धांत है, विभिन्न गति का सिद्धांत है, या परस्पर संबंध का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है, वो होता है विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, विभिन्न गति के सिद्धांत के द्वारा बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक आदि पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बालक के शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और संवेदनात्मक आदि पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है, कौन सा सिद्धांत। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक आदि पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, वो कौन सा सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, पहला है विकास क्रम का सिद्धांत, दूसरा है विकास दिशा का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है परस्पर सिद्धांत। ठीक है,
तो किस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक मानसिक या समझौता आदि पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है वो कौन सा सिद्धांत है? आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विकास के विभिन्न गति, ठीक है, विकास के विभिन्न गति याद रखिएगा, विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकास के विभिन्न गति याद रखिएगा, विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गैरिसन, डगलस और हॉलैंड, हरलॉक और पियाजे, वो है आपके डगलस और हॉलैंड। ठीक है, विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डगलस और हॉलैंड। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसके अनुसार बालक जन्म के माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता, बालक के जन्म के माह के बाद ही, कुछ माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है उसका जीवन में क्या स्थान है? कुछ माह के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, बालक के जन्म के कुछ माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसके जीवन में क्या स्थान है? एडलर, गुडेनफ, केटल या मैकडूगल, किसके अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह के बाद उसे यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान है? एडलर, गुडेनफ, केटल या मैकडूगल, किसके अनुसार वो एडलर के अनुसार, एडलर साहब के अनुसार क्या है कि बालक के जन्म के कुछ माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक के जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? हवा आती है, प्रकाश आता है, जल आता है, क्या आता है? यह सभी आते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार मनुष्य व्यावसायिक योग्यता का विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? किसके अनुसार मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता, ठीक है, व्यावसायिक योग्यता का विकास उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? व्यावसायिक योग्यता, ठीक है, व्यावसायिक योग्यता मतलब क्या? उसका काम धाम, ठीक है, व्यावसायिक योग्यता का विकास उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। मैकडूगल, डगडेल, क्लिनबर्न या कैटल, ठीक है, जैसे उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, मतलब कोई व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, जो पहले से उसके वंशज व्यवसाय कर रहे हैं उसी वंशज में उसी व्यवसाय में वो भी लग जाता है। ठीक है, जैसे कोई दुकान किसी के, जैसे आपका मान लीजिए आपके गुप्ता हो गए, ठीक है, या पंडित हो गए, ठीक है, तो जो जिस व्यवसाय में लगा हुआ है वो उसी व्यवसाय में वो भी लग जाता है। वो किस पर निर्भर करता है? किसके अनुसार मनुष्य की व्यवसायिक योग्यता का विकास उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? मैकडूगल के अनुसार, टैगडेल के अनुसार, क्लिनबर्न के अनुसार या कैटल के अनुसार, किसके अनुसार है? वो है आपके कैटल के अनुसार, ठीक है, कैटल के साहब के अनुसार, ठीक है, जो वंशज उनका व्यवसाय करता है वही व्यवसाय में वो भी लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन सामने कि बालक के निर्माण काल की अवस्था कौन सी मानी जाती है? बालक के निर्माण काल की, ठीक है, मतलब बच्चा कहाँ से बनता है, ठीक है, बच्चे का विकास जहाँ से स्टार्ट होता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जहाँ से स्टार्ट होता है वो कौन सी अवस्था है? ठीक है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, मतलब सबसे स्टार्टिंग की जो अवस्था है शैशवावस्था, जहाँ से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों स्टार्ट होता है, वो निर्माण काल की अवस्था जिसको बोला जाता है वो है शैशवावस्था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक के विकास चक्र में तीव्र विकास की आयु है, बालक के विकास चक्र में तीव्र विकास की आयु कौन सी है? बालक के विकास चक्र में तीव्र विकास की आयु कहते हैं 0 से 2 वर्ष, ठीक है 0 से 2 वर्ष, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? याद रखिएगा, किस सिद्धांत के अनुसार विकास, ठीक है, विकास की क्रिया का आरंभ जो होता है कहाँ से होता है? सिर से होता है, ठीक है, सिर से होता है, वहां पे क्वेश्चन सिर से पैर तक का, ठीक है, सिर से पैर तक,
ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो क्रिया होती है आरंभ सिर से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकाभिमुखी सिद्धांत या निरंतर गति का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तकाभिमुखी सिद्धांत, ठीक है। किस सिद्धांत के अनुसार? मस्तकाभिमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की जो क्रिया आरंभ होती है वो सिर से होती है। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि अभिवृद्धि और विकास है, ठीक है। अभिवृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, या इनमें से कोई नहीं है? अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिवृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के क्या है? पूरक है। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक करके बताइएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा आपको लाइक करके बताइएगा, और सेशन अगर पसंद आए तो शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।